एसबीआई लेडीज क्लब ने कुटुंब मेले का आयोजन किया। इस मेले का उद्देश्य विभिन्न वस्तुओं को बेचकर राशि प्राप्त करना और उस राशि को समाज सेवा के लिए दान करना है। इस कार्यक्रम में महापौर मालती राय ने शिरकत की, जिन्होंने इस कार्यक्रम की खूब सराहना की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एसबीआई के कुटुंब मेले में, जहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं। एक तरफ यहाँ पे आप देखिए बैंक की डिटेल्स बताई है और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो बैंक के बारे में बता रहे हैं, एसबीआई के बारे में बता रहे हैं, एसबीआई की स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं। और इस साइड में जो स्टॉल्स लगे हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग साड़ियाँ हैं, बहुत सारे कपड़े हैं अलग अलग डिज़ाइंस के, और बहुत सारे खाने के स्टॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे स्टॉल्स महिलाएँ द्वारा लगाए गए हैं और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए लगाए गए हैं। और आपको एक और बात बता दें कि यहाँ पर अभी मालती राय जी आई थी, जो कि भोपाल की महापौर हैं, और इस और जो यहाँ के स्टॉल्स हैं और जो यहाँ का प्रोग्राम है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो भी फंड आएगा वो डोनेशन में जाएगा, अनाथ बच्चों के लिए या गरीबों के लिए, कहीं पर भी जा सकता है। तो कैमरामैन अफजल के साथ सपना भाटी, दखल न्यूज़। भारतीय स्टेट बैंक की महिला क्लब ने कुटुंब मेले का आयोजन किया। इस मेले में खाने पीने की वस्तुएं, साड़ी और भी अन्य वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए। महिला क्लब की अध्यक्ष आशा मिश्रा ने बताया कि मेले का आयोजन करने के पीछे हमारा मकसद है कि हम महिलाओं को व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, उन्हें यह सिखाएं कि वो घर बैठे भी कैसे बिजनेस कर सकती हैं। मेले से जो भी राशि प्राप्त होगी उसे समाज सेवी संस्थानों में दान किया जाएगा। वहीं साड़ियों का स्टॉल लगाने वाली आरती सिंह ने बताया कि हमारा मकसद समाज में अलग पहचान बनाना है। हमने मिनिमम कम रेट में ही वस्तुओं की कीमत लगाई है, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से इन वस्तुओं को खरीद सके। एसबीआई लेडीज क्लब एक कुटुंब मेला का आयोजन कर रहा है, जिसका मकसद है चैरिटी करना। इससे जो भी पैसे हमको प्रॉफिट में मिल रहा है उसको हम सीनियर सिटीजन पे खर्चा कर रहे हैं। उनको हम पलंग दे रहे हैं, सोफा दे रहे हैं, चेयर दे रहे हैं, आलमीरा दे रहे हैं, जो भी वो अपने बच्चे से दूर रहते हैं, वृद्धा आश्रम में रहते हैं, वहाँ पर हम मैं कोशिश कर रही हूँ जो उन लोगों को कोई कष्ट नहीं हो। हाँ, नीचे बैठने में दिक्कत होता है, इसीलिए हमने ये सोच के रखा है। और हमारे लेडीज़ क्लब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जो एक से एक स्टॉल लगाए हैं और काफ़ी उन्होंने मेहनत किया है और खर्चा भी किया है, और मुझे उम्मीद है जो बहुत अच्छा उनका प्रॉफिट होगा और वो सहयोग करेंगे चैरिटी में। और इससे उनको आइडिया जा रहा है, जो घर में वो बच्चों को संभालते हुए, माँ बाप को संभालते हुए, सास ससुर को संभालते हुए, और वो घर से भी बिजनेस कर सकते हैं, और इससे महिलाएं इंडिपेंडेंट होंगे, उनके वो अपने मन से कुछ भी खरीद सकते हैं बाहर जाके। आजकल महंगाई का समय है, हस्बैंड के कमाने से कुछ नहीं होता है, तो महिलाएं कदम से कदम मिला के अपने हस्बैंड को सहयोग करेंगे। उद्देश्य जो है वो एक और भी है कि हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो स्कीम से पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है। तो यहाँ पर हमने हाउसिंग लोन के, कार लोन के स्टॉल्स भी लगाए हैं, डीलर्स को भी बुलाया है, और जितनी भी हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एसएमई से रिलेटेड है, पीबीयू से रिलेटेड है, या हमारी एसएमई के से जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड, लाइफ, इनके बारे में जो जानकारी है वो वेरियस काउंटर्स पर दी गई है। हमारे यहाँ पर जो काउंटर्स भी लगे हैं वो एसबीआई के फाइनेंस की हुई यूनिट्स हैं जो कि आज रन कर रही हैं, उनके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं वो भी यहाँ पर हमने उनको इनवाइट किया है और वो यहाँ पर ये दे रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक नोबल कॉज के लिए हो रहा है, क्योंकि ये जो फंड इकट्ठा होगा वो हमारे मतलब एसबीआई के तरफ से चैरिटी के लिए जाएगा। तो हम लोग अपने आप को मतलब भाग्यशाली समझते हैं कि चैरिटी में हमारा कुछ योगदान हो, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और हम लोगों ने मेहनत भी बहुत की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे महेश्वरी है, ये आपका ये जो है प्योर शिफॉन में है, मतलब जो भी आइटम हमने रखा है ना वो पूरा प्योर है, चाहे वो सिल्क में हो या फिर महेश्वर का हो या कॉटन हो, जो भी है, कॉटन तो प्योर होगा ही, उसमें भी रहता है थ्रेड वगैरह, लेकिन हमारा सब प्योरिटी की गारंटी है हमारे पास। कॉस्ट भी हमारा, चूँकि मैंने पहले ही बताया कि यह चैरिटी के लिए है, तो हमारा मार्जिन मतलब एकदम मिनिमम है। वहीं इस कुटुंब मेले में महापौर मालती राय ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि मैं एसबीआई महिला क्लब को बधाई देना चाहती हूं, जिन्होंने इतने बड़े उद्देश्य के साथ इस मेले का आयोजन किया। मैं आशा करती हूं कि आपने जितना सोचा है उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट हो। आप ऐसे ही महिलाओं को आगे बढ़ाएं और समाज सेवा के कार्य करते रहें। आज एसबीआई लेडीज क्लब ने ये मेले का, कुटुंब मेले का आयोजन किया है और उसमें मुझे आने का अवसर मिला है। मेले को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो मेले से जुड़ा है
वो कुछ भोपाल में करना चाहता है। और जिस तरह से मेरी चर्चा हुई तो बहनों ने बताया है कि यहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा वो हम लोगों की बुजुर्गों की सेवा में लगाएंगे। मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ बहन आशा जी को कि आपके माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनने का आपने प्लेटफार्म दिया। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जो सपना है कि हमारी महिलाएं सशक्त बने, और उसी तारतम्य में आपने ये आयोजन करके ये साबित कर दिया कि महिलाएं सशक्त बनने में कहीं पीछे नहीं है। वे अवश्य सशक्त बनेंगी। और जितनी भी बहनों ने यहाँ पर अपना स्टॉल लगाया है, मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि आप जितना घर से सोच कर आए हैं उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिले, ताकि आप बुजुर्गों की और आपकी जो सोच है आप लोगों की सेवा कर सके। धन्यवाद। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।